हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन के बारे में, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, साथ ही इसको आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी लड़कों में हस्तमैथुन की आदत के बारे में, मास्टरबेशन के क्या नुकसान हैं, क्या मास्टरबेशन पूरी तरह से एक नुकसान देने वाली प्रोसेस है, कैसे और किस हद तक हमें मास्टरबेशन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, और मॉडर्न साइंस के नज़रिए से इन सभी पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि मास्टरबेशन क्या है और कोई क्यों मास्टरबेशन करता है। फ्रेंड्स, इच्छा तृप्ति जनरली जीवन का मेन उद्देश्य माना जाता है। मानव जन्म के साथ ही इच्छाओं का भी जन्म होता है, और जीवन भर एक आम आदमी इच्छाओं की पूर्ति में ही अक्सर लगा रहता है। इंटरकोर्स की इच्छा बड़ी बलवती इच्छा होती है, और वो भी क्यों ना, आखिर डार्विन के विकासवाद के प्रिंसिपल के अनुसार हर जीव के जीवन का वास्तविक उद्देश्य संभोग करके अपनी जैसे संतान उत्पन्न करना ही तो है। एक लड़का जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है और उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से संभोग की इच्छा पैदा होने लगती है, तो वो इस इच्छा की तृप्ति का साधन ढूंढने लगता है, यानी ऑपोजिट सेक्स मतलब लड़की। और इस आयु में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ना ही उस उम्र में सही समझ उसको होती है, और सेक्स जैसा विषय चूंकि आज भी हमारे समाज में एक टैबू है, तो इस बारे में किसी को सही से गाइडेंस भी नहीं मिल पाती है। और ऐसे में एक लड़के को अपनी संभोग की तृप्ति का सबसे आसान जरिया नजर आता है खुद के हाथ से लिंग को उत्तेजित करके वीर्य निकालना और चरम सुख हासिल करना। हाथ से वीर्य निकालने को ही गाइज हस्तमैथुन कहते हैं। इसको इंग्लिश में मास्टरबेशन और उर्दू में जलक कहते हैं। चलिए देख लेते हैं मास्टरबेशन के नुकसान। फ्रेंड्स, इंग्लिश में हस्तमैथुन को मास्टरबेशन तो कहते ही हैं, इसके अलावा इसको सेल्फ अब्यूज़ भी कहते हैं। सेल्फ अब्यूज़ यानी खुद को नुकसान पहुंचाना। मास्टरबेशन के लिए ये बात बिल्कुल सही है, ये वाकई में एक बुराई है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं होता कि इससे सीमन बर्बाद होता है, बल्कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तरह का दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल होता है। लड़का हस्तमैथुन इसलिए करता है ताकि उसकी सेक्स की इच्छा शांत हो जाए, लेकिन कुछ देर के बाद ही ये इच्छा फिर से जागृत हो जाती है, और हस्तमैथुन के लिए चूंकि उसे किसी और की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो वो फिर से मास्टरबेशन कर बैठता है और बार बार करता रहता है। ये दुष्चक्र चलता रहता है, और कंडीशन ये हो जाती है कि लड़का चाहकर भी अपनी इस हैबिट को छोड़ नहीं पाता है। अगर एक नज़र में हस्तमैथुन के नुकसान हम देखना चाहें तो वो इस तरह से हो सकते हैं। अगर एक हफ्ते में एक से ज़्यादा बार मास्टरबेशन किया जाए तो इसके दुष्परिणाम शरीर और मन पर साफ दिखाई देने लगते हैं। मास्टरबेशन से वीर्य बर्बाद होता है। भले ही वीर्य और शुक्राणुओं का बनना एक सतत यानी कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि हमारा शरीर नेगेटिव फीडबैक पर काम करता है। जैसे ही कोई चीज़ शरीर में कम होने लगती है, शरीर उस चीज़ को जल्दी से जल्दी बनाकर फिर से होम्योस्टेटिस बनाना चाहता है। यही बात सीमन और स्पर्म्स पर भी लागू होती है, और एक बार शुक्राणु निकलने पर स्पर्मेटोजेनेसिस की रफ्तार बढ़ जाती है और शरीर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। गाइस, ज़्यादा मास्टरबेशन से एजिंग यानी उम्र बढ़ने की रफ्तार बढ़ जाती है, और आप तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार हमारा अंतिम और वास्तविक लक्ष्य संतान उत्पत्ति करना होता है, तो जितनी बार हम वीर्य निकालते हैं, शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक उसे वास्तविक लक्ष्य की तरफ बढ़े एक नए स्टेप की तरह देखती है, और सेल्स यानी कोशिकाओं की मशीनरी तेज़ी से फाइनल सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने लगती है। एजिंग ज़्यादा तेज़ होने से लड़का 20 की उम्र में 40 का दिखाई देने लगता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और शरीर दुर्बल कृशकाय हो जाता है। गाइस, ज़्यादा मास्टरबेशन से मेमोरी पावर यानी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, सेक्स ऑर्गन्स की तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो होना इसकी एक वजह हो सकती है, और हस्तमैथुन से कंसंट्रेशन यानी किसी एक चीज़ पर ध्यान फोकस करने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। ज़्यादा मास्टरबेशन से शीघ्रपतन की शिकायत हो जाना तो एक आम बात है, और बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन से संभोग की इच्छा कम होने लगती है, और अक्सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता का रोग भी हो जाता है। तो अब सवाल ये है, क्या हस्तमैथुन सिर्फ एक बुराई है? क्या हस्तमैथुन एक एब्सोल्यूट ईविल है और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है? लगभग बात तो ऐसी ही है। हस्तमैथुन से सिर्फ कुछ देर के लिए ही इच्छा पूर्ति हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही ढाक के तीन पात। विषय वासना तो वो भट्टी है कि जिसमें जितना घी डालो उतना ही आग धधकती है। अब ये सब जानने के बाद सवाल आता है, हस्तमैथुन कैसे छोड़ें? मास्टरबेशन की एक बार आदत पड़ जाने पर इसको छोड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है, और इसकी वजह है कि मास्टरबेशन के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में कोई इस आदत को छोड़े तो कैसे छोड़े? लेकिन ऐसा काम कोई नहीं होता है जो पॉसिबल ना हो।
हस्त मैथुन को सिर्फ इच्छा शक्ति के जरिए ही छोड़ा जा सकता है। सिर्फ दृढ़ निश्चय ही वो हथियार है जो आपको इस आदत से छुटकारा दिला सकता है। आपको ना सिर्फ हस्त मैथुन ना करने का पक्का इरादा करना होगा, बल्कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको मास्टरबेशन की तरफ ले जा सकती है, जैसे पॉर्न देखने से भी खुद को दूर रखना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। तो बस अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने में। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय गाइज़।